हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर डेथ ऑफ ए क्लर्क को समझेंगे जो कि एंटोन चेकोव ने लिखा है। मैं इसे हिंदी में समझाऊंगी, आप सभी इसे इंग्लिश में रीड कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। एक बहुत ही अच्छी शाम थी जब एक बहुत ही अच्छे क्लर्क एवर डेमिट्रिच वो शो देख रहे थे थिएटर में बैठ करके, और वो सेकेंड रो में बैठे थे चश्मा लगा करके, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे शो को, बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनसे ज्यादा खुश इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उन्हें छींक आ गई। अब फिर छींकने का अधिकार तो सबको है, चाहे वो कोई पीजेंट हो, चाहे वो पुलिस हो, इंस्पेक्टर हो, या कोई किंग या किंग का सलाहकार ही क्यों ना हो, छींकने का अधिकार सबको है। उस क्लर्क को, वो एक्चुअली वो क्लर्क थे, तो उन्हें कोई एम्बैरेसमेंट, कोई गिल्ट, कोई लज्जा नहीं लगी इस बात पर। अब वो अपना नोज वाइप करके आसपास देखने लगे कि किसी को उनके छींक से कोई इनकन्वीनियंस या प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। पर उन्हें अब गिल्टी लगने लगा। क्यों गिल्टी लगने लगा? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके सामने एक ओल्ड मैन बैठे हुए हैं और वो अपने गंजे सर को और अपने गले को, नेक को वो पोंछ रहे हैं, वाइप कर रहे हैं हैंडकरचीफ से और ग्लव से। इसका मतलब कि क्लर्क ने किस पर स्नीज किया था, किस पर छींका था? उन ओल्ड मैन पर। और वो ओल्ड मैन कौन थे? क्लर्क ने देखा कि वो ओल्ड मैन जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन थे, ये एक अच्छे पोस्ट पर थे। और फिर उन्होंने सोचा कि मैंने इन पर छींका, हालांकि ये मेरे सर तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ऑकर्ड है, बहुत ही लज्जित है, तो मुझे उनसे अपोलोजाइज करना चाहिए, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो वो आगे चल करके धीरे से जनरल के कान में बोलते हैं कि सर, मैंने आपसे गलती से छींक दिया, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं था। फिर जनरल उनको बोलते हैं, क्या तुम थोड़े दिन के लिए शांत रह सकते हो? मुझे शो देखने दो, लेट मी लिसन, मुझे सुनने दो और देखने दो। फिर क्लर्क को थोड़ा सा ऑफेंडेड लगा और वो हल्की सी मुस्कान दे करके वापस से स्टेज में देखने लगे। लेकिन अब वो पहले के जितने खुश नहीं थे, पहले जैसे वो बहुत ज्यादा खुश होकर के शो देख रहे थे, अब वो वैसे नहीं थे। अब उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश इंसान है। और फिर वो थोड़ी देर के बाद वापस से, शो खत्म होने के बाद, वो वापस से उन जनरल के पास गए और बोले, सॉरी सर, मैंने आपका छींक दिया, मुझे माफ कीजिएगा। फिर जनरल बोलते हैं, अरे हाँ, मैं तो इस बात को भूल ही गया था, आपको भी चलना चाहिए, अब आगे सोचिए आप भी। और उसके बाद जनरल चले गए। फिर उसके बाद क्लर्क जो है वो सोचे कि जनरल भूल गए, इसका मतलब कि उन्होंने मुझे माफ नहीं किया है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि छींकना तो एक नेचुरल फिनोमिना है, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैं उन पर थूकना चाहता था। तो अगर वो ऐसा नहीं सोचे, फिर भी मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। फिर वो जैसे ही घर गए, वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि मतलब उन्होंने जनरल पर छींक दिया था। फिर उसके बाद उनकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें जाकर के उन सर से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें पब्लिक में कैसे बिहेव करना है ये नहीं आता, तो तुम्हें जाकर के माफी मांग लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट डे क्लर्क एक ऑफिशियल ड्रेस पहन के, ऑफिशियल कोट पहन करके, अपना हेयर कट करवा के वहाँ उनके ऑफिस जाते हैं, और जनरल के ऑफिस जाते हैं उनसे माफी मांगने के लिए। वहाँ बहुत सारे पिटिशनर्स थे, पिटिशनर्स यानी कि आम लोग जो कंप्लेन लेकर के जनरल के पास जाते हैं और पिटिशन करते हैं। कुछ लोगों के कंप्लेन सुनने के बाद जनरल ने देखा कि वहां पर क्लर्क आया है। क्लर्क फिर बोलना शुरू कर दिया कि सर, पिछली रात मैं आप पर छींक दिया था, मुझे सॉरी कहना है करके। फिर उसके बाद जनरल बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं, ओह व्हाट नॉनसेंस, ऐसे करके चिल्लाते हैं। फिर उसके बाद वो बाकियों की कंप्लेन सुनने लगते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर क्लर्क ने सोचा कि सर तो मुझे सुनना भी नहीं चाहते हैं, मतलब कि वो मुझसे बहुत नाराज हैं। और उसके बाद जब जनरल लास्ट कंप्लेन सुनने के बाद अपने अपार्टमेंट, अपने घर जा रहे थे, तो क्लर्क भी उनके पीछे पीछे चले गए और बोले, सॉरी सर करके वापस से वो बोलने लग गए। फिर जनरल ने देखा और उनको बहुत गुस्सा आया, जनरल को ऐसे लग रहा था कि वो रो डालेगा इसके कारण। और फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे करके कहा और अपने घर का गेट उस पर बंद कर दिया, उसके मुंह पर बंद कर दिया। फिर क्लर्क ने सोचा कि हंसना, मैं तो ऐसा, मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है इस सिचुएशन में कि मैं हंसूंगा सर के ऊपर, ऐसी कोई फनी सिचुएशन तो नहीं है, अब मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा।
मैं उन्हें एक लेटर लिख दूंगा और मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, और मैं चलता हूँ करके वो आगे बढ़ने लगा, अपने घर जा रहा था। लेकिन उन्होंने लेटर भी नहीं लिखा क्योंकि उनको वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे, वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या लिखेंगे उस लेटर में। तो वो फिर से नेक्स्ट डे उसके अगले दिन वापस से जनरल के पास गए और सब ठीक करने के लिए, उन्हें सब चीज एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको कल परेशान नहीं करना चाहता था और मैं आप पर हंसने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मैं आपका छींक दिया था, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया था। मैं आपको परेशान करने के बारे में या आपके ऊपर हंसने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे हंस सकता हूँ आप पर? अगर हम सब ये सोचे, अगर हम सब आपके बारे में हंसने को सोचें, आप सभी सुपीरियर लोगों पर हंसने के बारे में सोचेंगे तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं बचेगी आप लोगों की। आप लोग तो सुपीरियर हो, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं और हमें आपकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर से जनरल गुस्सा हो गया और उन पर चिल्लाने लगा कि यहाँ से तुम जाओ। फिर क्लर्क जो है वो सॉरी सॉरी बोलते रहा, लेकिन जनरल ने उन्हें वहां से निकाल दिया, गेट आउट बोल करके निकाल दिया। फिर उसके बाद क्लर्क जो है वो उन्हें ऐसा लगा कि उनके अंदर कुछ टूट गया है और वो धीरे धीरे करके पीछे हुए वहां से निकल गए वो, और नए स्ट्रीट में आते आते घर आ रहे थे और वो अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट चुके थे। अब अपने घर आकर के सोफा में बैठे और जैसे बैठे थे वैसे ही वो उसी ऑफिशियल ड्रेस में मर गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा नहीं बना सोचना चाहिए, उसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए और छोटी छोटी बातों को बड़ा भी नहीं बनाना चाहिए। हमें अननेसेसरी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान देना चाहिए। और इतनी छोटी छोटी सी बात को इस इंसान ने, इस क्लर्क ने इतना ज्यादा सोच लिया कि वो इसकी लाइफ को कॉस्ट कर गया, यानी कि इसे मरना पड़ गया, ये मर गया। इतना सोचते सोचते अंदर से टूट गया और मर गया। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों को इतना नहीं सोचना चाहिए। एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि क्या आपको लगता है कि स्टोरी का जो एंड है कि वो क्लर्क मर गया, कि क्या आपको लगता है कि ये जो एंड है ये प्रॉपर है? अगर आप ये कहानी लिखते तो आप इसका क्या एंड करते? तो मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी का एंड है ये इम्प्रॉपर है, सही नहीं है, क्योंकि ये छींकना एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक नेचुरल चीज है जो कहीं भी किसी को भी हो सकती है और इसको कोई सीरियस क्राइम नहीं मानना चाहिए। और अगर कोई गलती से छींक देता है किसी के ऊपर या किसी को उससे प्रॉब्लम होती है तो सॉरी बोल देना चाहिए और उस बात को वहीं पर खत्म कर देना चाहिए। ये बहुत ही मूर्खता माना जाएगा कि अगर कोई पर्सन, कोई इंसान छींकने को इतना सीरियसली ले लेगा कि वो उसकी लाइफ को ही कॉस्ट कर जाएगा, यानी कि वो मर जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।